बैक अगेन। सो आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ होम टूर। मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ हमारा नया घर, उसका होम टूर। आज ये घर जैसे भी मैं आपको दिखाऊंगी, उसके बाद जब हम इसमें मूव इन करेंगे, हम एक और दोबारा से होम टूर करेंगे। सो आपको मैं अच्छा ओवरव्यू देती हूँ ये घर कैसा है। और प्यारे दोस्तों, वैसे तो मैंने रिकॉर्ड किया था मेरी वॉइस भी, बट उसमें थोड़ी डिस्टर्बेंस आ गई है क्योंकि मेरे पति बहुत ही ज़्यादा बातें करते हैं और उन्हें कोई बातें करने के लिए मिल गया था, तो वीडियो में भी वो आपको दिखेंगे किसी के साथ बातें करते हुए। सो शुरुआत करते हैं, ये एंट्रेंस करते ही ये वाली वॉल दिखेगी, वो मैंने क्लॉजेट दिखाई नहीं आपको खोल के। जो क्लॉजेट आपको दिख रही है वो शू क्लॉजेट है एंड वॉक इन है, काफ़ी बड़ी। सो जब आप एंटर करेंगे तो घर का कुछ व्यू इस किस्म का दिखता है। इस तरफ किचन है एंड इस तरफ लिविंग रूम है, जो कि फॉर्मल लिविंग बनाएंगे हम। किचन के साथ ही ईट इन डाइन इन है, सो जिसमें आप बड़ा डाइनिंग टेबल भी लगा सकते हैं क्योंकि इनफ स्पेस है। सबसे ज़्यादा मुझे प्यारी इस घर की चीज़ लगी है ये फायरप्लेस, क्योंकि इसके ऊपर जो भी उन्होंने डिटेलिंग की है वो वुड की है एंड मैं लकड़ी की बहुत बड़ी फ़ैन हूँ। एंड मुझे सफ़ेद एंड काला भी बहुत पसंद है। बेसिकली इस घर का थीम काला एंड सफ़ेद ही है और लकड़ी है। दूसरा फ्लोर देखें, ये वुड का फ्लोर है एंड उसका कलर भी कितना प्यारा है। तो ऐसे इन्होंने स्टेजिंग की हुई है। मेरा जो प्रेजेंट हाउस है वो भी काफ़ी सिमिलर सही है लाइक स्टेजिंग के हिसाब से। किचन पर बाद में आएंगे, पहले हम एंट्रेंस से देखते हैं। एंट्रेंस के साथ ही ये एक छोटा सा प्यारा ऑफिस रूम है जिसमें विंडो भी है एंड बिल्ट इन ये शेल्व्स हैं जिसको मैं मेरी किताबों से भरने वाली हूँ। ये ऑफिस स्पेस मैं और हस्बैंड दोनों ही शेयर करेंगे। लेट्स सी कैसे करते हैं मैनेज। ये विंडो बाहर की तरफ देखती है, अगर कोई आए तो आप यहाँ से चाटियाँ मार सकते हैं कि कौन आया है। सो ये ऑफिस काफ़ी प्यारा है। इस तरफ जो एरिया जाता है ये है मडरूम एंड पेंट्री एंड ऑल्सो मेन फ्लोर का वॉशरूम। सो ये मड रूम मुझे बहुत अच्छा लगा, ये बिल्ट इन सारा बना हुआ है, काफ़ी ज़्यादा स्टोरेज है इसमें। और यहाँ पे ये है कि आप इसी को आप यूज़ करें ज़्यादातर अपने घर में आने के लिए, ताकि शूज़ वूज सब कुछ उतार के यहाँ पे स्टोर कर दें। और इस तरफ जहाँ पे हिम्मत है ये वॉशरूम है यहाँ का, मैं इसकी वीडियो बनाना भूल गई हूँ। सो ये पेंट्री है, यहाँ से जाएँ तो किचन दिखती है। और ये किचन की मेरे पास एक पिक्चर है, काफ़ी प्यारी ओपन एंड वाइट किचन है। एंड किचन से इस तरफ आएँ तो व्यू ऐसा है, ये काफ़ी अच्छी स्टोरेज प्लेस है। अब मेरे घर में प्रेजेंट पेंट्री नहीं है और मैं बहुत मिस कर रही थी कि पेंट्री हो और आप सारी चीज़ें स्टोर करें एंड आपकी किचन हमेशा साफ़ सुथरी रहे, क्योंकि अगर आपके पास पेंट्री हो तो किचन साफ़ ही लगती है, राइट। और यहाँ पर काउंटर एक तरफ वाइट मार्बल जैसा है, ग्रेनाइट, एंड एक तरफ ब्लैक है। सो आई लाइक इट। कुकिंग वाला एरिया ब्लैक है, दूसरा वाला वाइट, एंड ये डाइनिंग टेबल के लिए एरिया है। एंड यस, यहाँ पे ऐसी चेयर्स पड़ी हैं, मैं ऐसी चेयर्स नहीं रखने वाली हूँ, बट या बाहर से व्यू कुछ इस तरह का है। ये नई कम्युनिटी है एंड बाहर घर अभी बन रहे हैं। और अच्छी बात है कि हमारे पीछे बिल्कुल ही साथ में घर नहीं है, पीछे वो सड़क सी है वॉक करने के लिए एंड उसके बाद घर है। सो वहाँ पे आप पेड़ लगा सकते हो और पूरी प्राइवेसी हो जाएगी। और थोड़ा सा डेक भी बना हुआ है, आई एम नॉट श्योर मैंने आपको बताया है कि नहीं, ये घर ब्रांड न्यू है, आई थिंक आई फॉरगॉट। सो हम ही लोग होने वाले हैं जो इस घर में पहली बार रहेंगे। सो अंदर से आए तो कुछ ऐसा है, पति अभी भी बातचीत में बिजी हैं क्योंकि उन्हें बातें करना बहुत ही मज़ेदार काम लगता है। और किचन में अप्लायंसेस बिल्ट इन है, लाइक ओवन एंड माइक्रोवेव एंड किचन बर्नर्स वाली है, और सॉरी गैस, मैं पहली बार यूज़ करूँगी वो। एंड ये पिक्चर है लिविंग रूम की, लिविंग रूम काफ़ी ज़्यादा ब्यूटिफुल एंड कोजी है, कोजी फील होगा आपको। अब ये सीढ़ियाँ ऊपर की तरफ जाती हैं जैसे कि आप देख रहे हैं, जाएंगी भी आएंगी भी। और यहाँ से चढ़ते ही इस तरफ मास्टर बेडरूम है राइट साइड पे, जो मैं और मेरे हस्बैंड के लिए होने वाला है। इस रूम का साइज़ अच्छा डिसेंट है एंड इसका जो डिकोर है वो भी ब्लैक थीम का है। आप देखिए पीछे ना वॉल अंदर तक है। मैंने देखा कि आप ये देख सकते हैं जो साइड टेबल है एस नाम का है, आई डोंट नो, इन्होंने डिकोर में कई जगह पे एस लिखा हुआ था, तो मुझे लगा कि ये घर मेरे लिए पहले ही रेडी है, उन्हें पता है कि कोई ऐसी यहाँ पे आके रहेगी। सो यहाँ पे भी डिसेंट स्पेस है, इसे मैं बुक पढ़ने के लिए सोफ़ा वोफा लगा सकती हूँ, डिकोर एंड पेड़ वेड। एंड इस तरफ ये मिरर लगा हुआ है एंड यहाँ पे भी थोड़ा सा स्पेस है शेल्फ। एंड ये रास्ता जाता है मास्टर वॉशरूम की तरफ, मास्टर वॉशरूम काफ़ी ज़्यादा क्यूट एंड डिसेंट है। एंड मिडल में टब है एंड साइड्स पे सिंक्स है हिज एंड हर्स, सो ज़्यादा लड़ाई नहीं होगी, पति कहेंगे ओ मेरा सामान कितने है, मैं कहूँगी कि तुम बस राइट साइड पे ही रहो,
सॉरी लेफ्ट पे रखेंगे क्योंकि वुमेन्स ऑलवेज राइट राइट. सो मैं सज्जे पास रहूँगी, उनको हम खब्बे पास रखेंगे. तो या ये लड़ाई सोल्यूशन हो गया. एंड जो टॉयलेट है वो बंद है, अलग से सेपरेट है. सो ये अच्छा है ना, अगर किसी को नहाना हो एंड प्राइवेसी है पूरी. सो वॉशरूम से निकलते ही अटैच्ड क्लॉजेट है जो मुझे लगता है कि मैं ही रखूँगी और मैं हस्बैंड को अदर क्लॉजेट देने वाली हूँ. सो ये सारी मेरी ही होने वाली है और इसमें कारपेट नहीं है. ये मुझे बहुत अच्छा लगा क्योंकि कारपेट को क्लीन करना ना बहुत मुश्किल हो जाता है. सो ये अच्छा टाइल्स लगी हुई है मार्बल स्टाइल की. एंड सबसे ज़्यादा सेलिंग पॉइंट इस घर का था लॉन्ड्री बिल्कुल क्लॉजेट के साथ, क्योंकि प्रेजेंट घर में लॉन्ड्री मेरी बेसमेंट में है और 10 फ्लोर मुझे ऊपर थल्ले आना पड़ता है, बहुत मुश्किल होता है. अब क्लॉजेट के साथ ही लॉन्ड्री है, सीधा तो गए हैंग कर देंगे कपड़े, कितना आसान हो जाएगी ना ज़िंदगी. सो ये मुझे बहुत बहुत मज़ेदार लगा. एंड वॉशरूम का एक और व्यू दे देती हूँ मैं आपको. और जो टॉयलेट वाला एरिया है वहाँ पे ये छोटी सी एक कबर्ड है जिसमें आप दवाइयाँ रख सकते हैं. स्टोरेज के लिए बहुत अच्छे अच्छे प्लेसेस हैं इस घर में. और ये लिनन क्लॉजेट तो देखो वॉक इन है. मुझे लगता है कि ये जो लिनन क्लॉजेट है ना मेरे पति को दे दूंगी मैं क्लॉजेट बना के, क्योंकि एक लिनन क्लॉजेट लॉन्ड्री में भी है और मुझे लगता है मेरा उसी के साथ चल जाएगा. और ये वाली क्लॉजेट हस्बैंड को दे देंगे ताकि ये मेरी प्यारी क्लॉजेट से दूर रहे, पर यहाँ पति के जो फैंसी कपड़े हैं वो वहाँ पर रख लेंगे. ओके सो ये है हिम्मत का बेडरूम. इसकी बहुत अच्छी वीडियो नहीं बनी क्योंकि अंधेरा हो रहा था. मैं पिक्चर से देख ले ऐसा लगता है इसका रूम अच्छा क्यूट है. इस घर की अदर खास बात ये है कि इसमें हर एक क्लॉजेट वॉक इन है, हर एक रूम की क्लॉजेट वॉक इन है. और ये है फैमिली रूम जो कि अपस्टेयर्स है. मुझे लगता है कि हम ज़्यादा समय इसी रूम में स्पेंड करा करेंगे. एंड यस, और फिर से मेरा रूम, मेरे रूम से अगर बाहर आएँ तो फिर से वो आपको दिखेगा. एंड टेबल पे देखें एस लिखा हुआ है, यहाँ पे भी कह रहे प्लीज़ आओ रह लो एस सिमार ब्यूटी आ जाए प्लीज़. तो या बाकी सारी चीज़ें ज़्यादातर ब्लैक कलर की हैं, आप जानते हैं मुझे तो ब्लैक मुझे बहुत प्यारा लगता है. सो या ये है प्रूफ, बाबा जी कह रहे हैं कि आ जा तेरा ही घर है. एंड ये ओवरव्यू है पूरे घर का दोबारा से ऊपर से अगर देखेंगे तो. एंड अब हम जाएंगे बेसमेंट की तरफ. बेसमेंट हाफ बनी हुई है, लाइक एक सुइट है जिसमें बेडरूम है बहुत अच्छे साइज़ का, वॉक इन क्लॉजेट है एंड ऑल्सो वॉशरूम है पूरा एंड लिविंग एरिया है. मुझे लगता है कि ये जो लिविंग एरिया है ना इसे मैं अपना स्टूडियो बना लूँगी क्योंकि इसकी वॉल कितनी मज़ेदार है ना वुड की. सो ऐसा प्लान है मेरा फ़िलहाल के लिए. एंड हिम्मत आपको बैठ के दिखा रहा है. This is the closet, this is the bedroom. I don't know who is it for. It's the same things you saw upstairs. Oh, Mama, that these are these things? Uh-huh. Okay. And the bathroom, a tub, a toilet, a sink. I have everything. You can see the camera right there, do you? It's right there, guys. हाय दोस्तों, तो ये वाला है जो वॉशरूम है बेसमेंट का, कितना प्यारा बना हुआ है. मुझे ये वाइट टाइल्स बहुत अच्छी लगी, जैसे सेम हमारे किचन में भी है. और ये इसमें भी ये वाइट टाइल्स लगी हुई है बहुत ही प्यारी. और बेसिकली इस घर का जो थीम वाइट ब्लैक एंड नेचुरल किस्म के कलर्स हैं एंड लकड़ी के फ्रेम्स लगे हुए हैं. और ये जो वॉल की डिटेलिंग है ये सारी वुड है, फ्लोर वुड है, जैसे मुझे अच्छा लगता है वैसा ही है सब कुछ. तो या मुझे बहुत ही प्यारा लगा, आप बताना कि आपको कैसा लगा. सो ये हमारा एक्स्ट्रा एरिया है खूब सारा बड़ा जिसे हम पर्सनल स्टोरेज के लिए यूज़ कर सकते हैं और बहुत सारी और चीज़ें भी की जा सकती हैं. दिस कैन बी एनी थिंग. सो ये वाला रूम मैं आपको दिखाना भूल गई. ये हमारा थर्ड बेडरूम है. सो इस घर में बेसिकली 3 बेडरूम है अपस्टेयर्स, 1 बेडरूम है बेसमेंट में. सो 4 बेडरूम हो गए हैं स्वीट्स के साथ. सो ये जो बेडरूम है ये बहुत अच्छा है, इसे होपफुली मैं मेरा मेकअप स्टूडियो बनाऊंगी. एंड इसमें ये डेस्क का एरिया भी बहुत अच्छा है, इसमें रोशनी भी बहुत अच्छी आती है जैसे मेरी प्रेजेंट घर में आती है. एंड इसकी क्लॉजेट भी वॉक इन है बहुत अच्छे बड़े साइज़ की. सो ऐसे ही पूरा होता है हमारे ब्यूटीफुल घर का टूर. प्लीज़ मुझे बताना कि आपको कैसा लगा. ज़्यादा अच्छी वीडियो मैं उस घर में मूव इन करने के बाद बनाऊंगी. बहुत ही जल्दी हम मूव इन करने वाले हैं.
सो या उसकी वीडियोज़ बनाने के लिए मैं एक्साइटेड हूँ. एंड थैंक यू वेरी मच दोस्तों मेरी वीडियो को देखने के लिए. मैं मिलूंगी आपको जल्दी. तब तक के लिए अपना ख्याल रखें और बिल्कुल मत भूलें दोस्तों, यू गाइस आर ब्यूटीफुल द वे यू आर. स्टे हैप्पी, कॉन्फिडेंट एंड स्ट्रांग. वी गाइस कैन डू एनी फ्रीकिंग थिंग. ऑल यू हैव टू डू इज थिंक अबाउट इट एंड टेक एक्शन. दैट्स इट. इजी पीजी लेमन स्क्वीजी. बाय लालू.